अस्सलाम वालेकुम मेरी उम्र के नौजवानों के साथ, मैं हूं सुहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद हैं मोहनजोदड़ो के खंडरात से निकाले गए मिन्हाज यूसुफ साहब। कैसे मिन्हाज, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? यार आप बहुत दिनों बाद नज़र आए हैं, कहाँ गायब थे, क्या थे? बस मसरूफियत थी, आपने याद किया तो आ गए। नहीं, हमें यहाँ खबरें मिल रही थी कि आप गायब हो गए, लापता हो गए और आपके लिए सर्च पार्टी भेजी जा रही थी ढूंढने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि वो मुझे बात करनी थी क्रिकेट पे, और आपको पता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट पे बात करने के सिर्फ दो चार लोग हैं। एक हमारे दोस्त अहमर भट्ट हैं, वो दिल की बीमारी लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं उनकी है कि नहीं है, अभी तक यही नहीं पता चला है। दूसरे इमाद साहब हैं, वो तो उड़ी उड़ी जावा बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हो चुके हैं। तो तीसरे आप ही बचे, इसलिए आपको मैंने जहमत दी है। एंडरसन जी क्या कहा है? एंडरसन बस अब रिटायरमेंट पे हैं, रिटायरमेंट लेने के लिए बैठे हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया। आप जेम्स एंडरसन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जेम्स एंडरसन की बात हो रही है। अच्छा, मैं खैर कोरी एंडरसन की बात कर रहा था। अब चलो जेम्स पे पहले बात करते हैं। 700 विकेट होंगे यार, अब क्या जान लेगा? छोड़े, पीछा छोड़े यार, घिस घिस के पागल कर दिया था आदमी ने। 708 विकेटों का टारगेट है ना, शेन वॉन को भी तो पीछा करना है उन्होंने। शेन वॉन को पीछे करके क्या कर लेंगे, 800 है बेटा मोरली। उनके लिए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मुरली तोड़ो तो समझ में आया ना, 800 विकेट यार। मुरली का तोड़ना तो उन्हें भी पता है कि बहुत मुश्किल है, पहले ही वो इतना खेल चुके हैं इस 708 के चक्कर में, अब 800 के चक्कर में जाएंगे तो फिर तो शायद 50 साल के हो जाए वो। क्योंकि मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, जेम्स एंडरसन हैज बीन प्लेइंग फॉर एवर, 2002-2003 से देख रहा हूँ मैं इसको। बिल्कुल, 2003 में डेब्यू किया उन्होंने, पाकिस्तान भी आया। बिल्कुल आए हैं, वो जो जिस सीरीज में इंजमाम ने कुट्टस लगाई थी और यूसुफ ने, उसमें भी था। फिर 21 साल हो गए यार। अब रिटायरमेंट तो उन्हें खैर पहले ले लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद कुछ पर्सनल टारगेट्स थे, कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स थी जिनके लिए शायद वो खेल रहे थे। यार 25 साल का तो खैर रिकॉर्ड शुएब मलिक का है, अभी कोई तोड़ ही नहीं पा रहा उसको, कोई नहीं तोड़ पा रहा। 25 कोई नहीं खेला भाई क्रिकेट 25 साल। हाँ, मेरे ख्याल से तो सचिन तेंदुलकर ही मेरे ख्याल से उसके बाद शायद हैं। उसके बाद हाँ, फिर तो खान साहब भी आ जाते 21 साल। खान साहब है, जावेद भाई है। हाँ, जावेद भाई ने भी काफ़ी खेला है, 75 से 96 कर लो, 21 साल हो गए। कल एक साहब मिले ऑफिस में, आए और कह रहे हैं कि जो अमेरिका से कोरी एंडरसन खेल रहा है, ये उस कोरी एंडरसन का छोटा भाई है जो न्यूजीलैंड की जानिब से 2015 में खेला था। And again, flat and hard for six more. क्या बात कर रहे हो? तो मैंने उनको समझाया कि भाई ये वही कोरी एंडरसन है जो न्यूजीलैंड से खेला था। ऐसा कैसे हो सकता है एक आदमी दो वर्ल्ड कप में दो अलग अलग टीमों से कैसे खेल सकता है? जनाब की नॉलेज में ये बात ही नहीं है कि ऐसा तो कई दफ़ा हो चुका है यार। ये हमारी ज़िंदगी में तो काफ़ी हो चुका है, जैसे 83 का वर्ल्ड कप याद है? मुझे कहाँ से याद होगा। तो याद नहीं होगा तो क्या पढ़ते भी नहीं हो 83 के बारे में? 83 फिल्म ही देख लेते कम से कम यार, आने से पहले यार। तुम्हें गॉड सेक, तुम्हें पता है तुम्हें मेरे पास आना था यार, 83 फिल्म देख लेते, उसके अंदर ही तुम्हें नज़र आ जाता। मोहतरम जनाब केपलर वेसल्स जो 1992 में साउथ अफ्रीका का कैप्टन थे। जी जी बिल्कुल थे ना, याद आ गया। बिल्कुल, 83 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले थे। तो ये रीत बड़ी पुरानी है। 85 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में वसीम अकरम ने आउट किया था इनको, दुबले सूखे डंडे वसीम अकरम, लेफ्ट हैंडर थे उनको, लेफ्ट हैंडर को ही आउट किया था। 92 के वर्ल्ड कप में जॉन ट्रैकॉस भी खेले जिम्बाब्वे से, बड़े मियाँ, 87 में भी खेले थे वो। ये बेचारे के साथ जो बैट सीन हुआ था, इन्होंने डेब्यू किया था साउथ अफ्रीका की जानिब से 1969-70 के करीब करीब, और उसके बाद ये तो वही टाइम है शायद जब साउथ अफ्रीका पे पाबंदी लगी थी। जी, बेचारे का पूरा करियर जैसा के लसन लग गए थे। ये तो आपने बड़ी बात बताई है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था इस बात। उन्होंने फिर 13 साल इंतज़ार किया, और जब जिम्बाब्वे जो है उसको टेस्ट स्टेटस मिला, तो फिर इन्होंने जिम्बाब्वे की जान जिम्बाब्वे खेला, वनडे खेलते रहे ये। अब काफ़ी उम्र हो गई थी, 40+ हो गया, हो गए थे ये। ये थे फिर 92 के वर्ल्ड कप में ही, 92 तो याद है ना वर्ल्ड कप? जी बिल्कुल,
इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, एंडरसन कमिंस वाज द मैन ऑफ द मैच, जी जी उनके फास्ट बॉलर थे वो, खेले आके कनाडा की टीम से 2006 में, एक और मैच 2006 इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, इंग्लैंड से खेल रहे हैं एड जॉइस जो कि बाद में आयरलैंड की टीम के कैप्टन भी बने, जी, और 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आयरलैंड का मैच 2 रन पे मोहम्मद शमी ने एक खिलाड़ी को आउट किया था। कहीं वो ओयन मॉर्गन तो नहीं? Exactly. जो कि इंग्लैंड की तारीख के कामयाब तरीन कप्तानों में, बिल्कुल 2019 for the first time England. यहाँ तक तो मुझे याद है, बाकी आपको तो याद होंगे कुछ खिलाड़ी, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं 2010 के बाद जरा कच्चा हूँ। आयरलैंड की बात हो रही है तो आयरलैंड ही के बॉयड रैंकिन जो कि काफ़ी अरसे आयरलैंड से खेलने के बाद उन्हें इंग्लैंड से भी खेलने का मौका मिला, इसके अलावा रुलाफ वांडर मर्वे जो साउथ अफ्रीका से भी खेले और हॉलैंड की जानिब से भी उन्होंने, ये कैसे कैसे हो जाता था, मतलब पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर है तो वो जिएगा भी पाकिस्तान में मरेगा भी, उस्मान खान को देख लो, अच्छा वाला टाइम बेचारे को मिल गया था चांस यूएई खेलने का, नहीं सारी धरती में हमारा राज रहेगा, वतनी जाग गई उनकी, बस ए मर्द मुजाहिद जाग जरा। That's four as well. Short, too short, and been pumped out of the ground. Oh, he's had a goal. He has a massive goal. खैर, और भी खिलाड़ी बहुत सारे हैं जो अभी खेल रहे हैं इधर उधर से और आते रहेंगे, जब तक क्रिकेट रहेगी और अब बढ़ेगी क्रिकेट तो होता रहेगा इस तरह।